गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो वीडियो फिर से बहुत दिनों बाद मिली है, फिर से माफी के पात्र हैं हम आपके लिए, तो माफी मांगते हैं। तो कोशिश करेंगे आपसे दोबारा जल्दी जल्दी वीडियो लाने की। तो आप लोग सोचेंगे ये जुमले वो देता है, बार बार बोलता है जल्दी से जल्दी वीडियो आएगी, पर वीडियो आती नहीं है। वीडियो वही फिर खींच के 10-15 दिन बाद, तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहेंगे। तो सुबह हो चुकी है, तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं भाई फुल डे ऑफ ईटिंग। तो वो एक तरह से आप कह लो कंटेंट बनाने वाली बात है कि हाँ पूरा दिन का दिखाओ क्या कैसे खा रहे हो, तो वो तो नहीं करेंगे आज। बट आज आपको फुल डे ऑफ मील प्रेप दिखा देते हैं। मील प्रेप भी क्या ही है, सारा कुछ सिंपल सादा सा काम है, तो जिससे आप लोगों को ये हेल्प होने वाली है कि आप लोग थोड़ा कुछ समझेंगे कि इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और जो लोग सोचते हैं कि वेजिटेरियन से कैसे हम कुछ इतना कुछ पूरा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा भाई कैसे सब कुछ रहता है। और काफ़ी लोग घूमते रहते हैं इस चीज़ में कि प्रोटीन इनटेक कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन इनटेक कितनी होनी चाहिए। तो उसमें ना घूमें, अगर आप नए नए खिलाड़ी हैं अभी तो आपकी आपको इतनी ज़्यादा प्रोटीन इनटेक की ज़रूरत भी नहीं। बॉडी वेट अगर आपका 50 kg है तो 100 में संतुष्ट हो जाइए, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो आइए मैदान में आ चुके हैं, अभी दिखाते हैं आपको अपना जलवा। तो यहाँ पे थोड़ा गंद वंद ज़्यादा मच चुका है, तो ये साफ करना पड़ेगा अभी। तो बाकी आपको बता दें, अभी वहाँ पे एयर फ्रायर में एक चीज़ आ चुकी है, वहाँ पे टोस्टर में एक चीज़ आ चुकी है, तो अभी फ्रिज से निकाल के दाल चावल पैक करने हैं। तो अभी एक बार सारा कुछ रेडी हो जाए तो यहाँ पे सजा के आप लोगों को दिखा देंगे क्या क्या लेके जाते हैं हम। जैसे आज मैं काम पे जा रहा हूँ, अभी जिम जा रहा हूँ, तो क्या अभी खा के जाऊँगा, तो ज़्यादा क्विक टाइम में, जिन लोगों के पास सुबह टाइम नहीं होता तो उनके लिए भी अभी काफ़ी, वैसे तो काफ़ी वीडियोज़ मैं बता चुका हूँ पर अभी बताएंगे सुबह अभी क्या पी के जाएंगे, और देन सारी मील्स यहाँ पे अभी आपको रेडी करके दिखा देंगे। और उसके बाद एक और जो लास्ट मील रहती है, अभी बाकी की सारी तो साथ में ले जाता हूँ, रात के जो डिनर होता है वो आके बनाते हैं, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल है। तो उसको अगर आपने देखना है कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रात को दिखाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास हो चुका है सारा रेडी, बस एयर फ्रायर में पड़े हैं आलू अपने। तो एयर फ्रायर आप उससे बॉयल भी कर सकते हैं, रोस्ट या माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ओवन भी पड़ा है, बट ओवन में टाइम लग जाएगा उसको गर्म करने में, तो एयर फ्रायर में डाल दिया अभी। तो अभी क्विक आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग में अपना जो है शेक है जिसमें ओट्स और दूध पड़ा है, अभी बाकी का मटेरियल इसमें भी डालेंगे, जैसे कि केला डलेगा और ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, एक प्रोटीन का स्कूप डलेगा। तो ये है, तो यहाँ पे कुछ है, एक सीजनल फ्रूट आ गया, देन उसके बाद अपने पास संतरा, एप्पल, सेब या ब्लूबेरीज पड़ी हैं। तो फ्रूट्स ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अगर आप फैट लॉस में हैं तो इतने भी ज़्यादा भी रिकमेंड नहीं करेंगे। तो जो लोग, जिन लोगों की आउटपुट ज़्यादा है, मीन्स वर्कआउट उस लेवल का है, बेशक वो फैट लॉस पे भी हो, तो वो इतना सा कंज्यूम कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है उनकी ट्रेनिंग पे, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तो नया बंदा वो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, तो इसलिए फ्रूट्स को थोड़ा बैलेंस रख के चल सकते हैं, जहाँ ये 4-5 है उसको आधा कर सकते हैं, कहीं कहीं ना गिरावट तो आपको लानी पड़ेगी। देन उसके बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, ये दाल चावल आपको दिख रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, मस्त पीली दाल है ये चने की, जिसके साथ चावल हैं। कितने ग्राम चावल हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, काफ़ी लोग बताते हैं वीडियोज़ वगैरह में मेजर करते हैं, बट एक्चुअल में अगर आपको मैं असलियत सच बताऊं तो मैं मेज़र नहीं करता हूं, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाता हूं। बट हाँ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आप नया नया करने लगे हैं और आपका मेजर गोल है फैट लॉस का, मीन्स ज़्यादातर लोग फैट लॉस वाले हैं, तो अगर फैट लॉस का गोल है तो आप वहाँ पर चूक नहीं कर सकते। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतना आइडिया नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको तो बता रहा हूँ, बट अगर आप मेरी बात सुन के चलना चाहते हैं तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं मेजर नहीं करता हूँ, मैं इस तरह से चलता हूँ, बट मैं ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मेजर कर लेना चाहिए, आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद अपने पास एक पड़ा है पीनट बटर टोस्ट, ब्रेड जो है होल व्हीट है, डेट्स हैं 3 मजदूर डेट्स हैं,
तो काफ़ी बड़ा डेट होता तो देख लें। और इसमें आ गया अपना एक प्रोटीन का स्कूप, डब्बा वैसे ग्लूटामाइन का, बट इसमें ग्लूटामाइन का एक स्कूप, एक क्रिएटिन का स्कूप और प्रोटीन का स्कूप। तो यहाँ पे आलू भी अपने रेडी हो चुके हैं जिसमें, तो ये दिख रहे हैं आपको आलू, सिंपल आलू हैं अपने पास, वैसे वहाँ पे दूसरे भी पड़े हैं बट ये सिंपल आलू हैं। और क्या डाला इसमें, नमक और काली मिर्च। तो हमेशा की तरह मुझे लग रहा है हम आज भी लेट हैं, तो फटाफट से हम अपना बनाते हैं और घर से निकलते हैं। एक चीज़ रहेगी दिखाना जो कि थी योगर्ट, कोकोनट फ्लेवर है, तो एक डिब्बिया से अपने को 8 ग्राम, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो प्रोटीन प्रोटीन का खेल अभी आपको रास्ते में जाते जाते समझाते हैं पूरा। तो आज फिर से लेट होते होते बचे हैं। तो लेट होने का फ़ायदा ये है कि स्प्रिंट लग जाती है, एक रनिंग हो जाती है, जो कि यूजली मैं नहीं करता हूँ, तो बस उसका एक ही फ़ायदा, बाकी थोड़ा ऐसे होता छूट गई तो देर हो जाएगी भाई, काम ख़राब हो जाएगा। तो मेरी मील्स देख के आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए, हालांकि एक मील बाकी है रात वाली, उसमें क्या है वो अभी आपको बताएंगे रात को, बट जितना अभी तक फ़िलहाल बताया है उससे आपको एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा लंबा चला पाएंगे। लॉन्गविटी पे काम करें, कुछ भी ऐसी चीज़ ना डालें अपनी डाइट में जो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म और थोड़ी देर के लिए इंजॉय होके कर सकें, इंजॉय मीन्स खुशी खुशी कर सकें, बल्कि आपको ऐसी चीज़ें डालनी है जो आप लॉन्ग टर्म में बिना कुछ सोचे समझे कॉन्टीन्यूटी में यूज़ कर सकें और खाते रहें। और थोड़ा ट्राई करें बस, क्वांटिटी हमें क्वांटिटी कम हो जाए बट क्वालिटी से आप पीछे ना हटें, क्वालिटी पे फोकस करें। बेशक होता है कभी कभी चीज़ क्वालिटी वाली चीज़ थोड़ी महंगी आती है, या आप कह सकते हैं कम एज़ कम्पेयर, अगर लोग लो क्वालिटी वाले से कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ प्राइस में डिफरेंस होगा, पर अगर आप वो चीज़ ख़रीद सकते हैं बेटर क्वालिटी वाली, जहाँ आप 1000 खर्च रहे हैं 1100 अगर आप खर्च सकते हैं, और खर्चना चाहिए 1000 की जगह 1100 खर्च सकते हैं, बट अगर आपका बजट ही 700-800 फिर आप तंग होके जा रहे हैं, तो फिर उसमें थोड़ा कहते हैं ना आप थोड़ा उसमें खुद को बांध सकते हैं या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट अगर आप जा सकते हैं और अगर आप यही सोच के जा रहे हैं कि इतने से क्या होगा, तो वो चीज़ ना करें, क्वालिटी पर हमेशा फोकस करें रादर देन क्वान्टिटी। और सेम सिनेरियो आप अपनी डेली लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मौसम आज बढ़िया है, ठंड कल के मुताबिक थोड़ी सी कम है, कल तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी, हाथ जम चुके थे कल इतनी देर में ही बाहर रखने पर आज हाथ नहीं जम रहे हैं। तो अभी एक ऐसा ही मैटर चल रहा था जिसके चलते थॉमस टेस्ट की पुकार आई है, तो फिलहाल वो करने लगे हैं यहाँ पे, देखते हैं भाई वीडियो बनानी थी। बाकी हम बात कर रहे थे मील्स की सुबह, तो मैंने जो पर्सनली खुद नोटिस किया, ज़्यादातर लोगों में दिक्कत ये रहती है कि उनके माइंड में रहता है प्रोटीन इंटेक कितनी रहे, कार्ब्स फैट तो वो भूल जाओ, प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस रहता है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, बट सही है प्रोटीन तो सुनने को मिलता है मैं 150 ग्राम ले रहा हूँ, 200 ग्राम ले रहा हूँ, 180 ग्राम, 210 इतना, तो भाई उतना तो तुम्हें डाइजेस्ट ही नहीं होना जितना तुम शुरू में ही ले जा रहे हो, इतनी बॉडी में कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो माना आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो उसमें आएगा कि 0.8 ग्राम होता है बॉडी वेट पर केजी के हिसाब से, जो कि नॉर्मल होना चाहिए, और वो सही है उतना होना चाहिए डेली लाइफ में, चाहे आप कुछ करते हो या ना करते हो। तो उसके बाद आता है आपकी एक्टिविटी पे, जो हार्ड कोर एक्सट्रीम ट्रेनिंग करते हैं उनका उस हिसाब से ज़्यादा होता है 2 पॉइंट 2.5 पॉइंट, बट फिर भी एकदम से आप अगर एक्सट्रीम करने लग गए हैं तो आप अभी उतने मैच्योर हुए नहीं, आपका मसल इतना मैच्योर है नहीं है और बॉडी में इतनी फंक्शनिंग है नहीं, एकदम से आप इतना ज़्यादा प्रोटीन यूटिलाइज कर ले बॉडी में, वो वेस्ट जाएगा, फ्लश आउट होएगा। तो ट्राई करें 1.5 या 2 से, मैक्सिमम 2 से स्टार्ट करें, 2-2.5 फिर बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप मेरी ही डाइट नोटिस करेंगे तो मुझे लगता है
150 के करीब, 150 155 के करीब डाइट में प्रोटीन है पूरे दिन में, तो 150 के हिसाब से मेरे वो बॉडी वेट से इंटू टू हो गया। इवन मैं अगर ज़्यादा कंज्यूम करता भी तो मुझे पता है वो मुझे डाइजेस्ट होएगा बॉडी में, कहीं ना कहीं मसल में परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, तो उसके लिए हम अप जा सकते हैं। बट अगर आप नए नए हैं तो उतना प्रोटीन कंज्यूम क्वांटिटी ना करें, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होना, आपकी बॉडी में यूज़ नहीं होना, तो फ्लश आउट होएगा, बेकार जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम कहीं तीन तीन चार चार स्कूप प्रोटीन लेंगे तो उतने बॉडी में लगने भी चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो बाकी हम करेंगे अभी हल्का फुल्का वर्कआउट, आपको दिखाएंगे। खाते हैं एक मील अपनी आलू और योगर्ट वाली, दिखाते हैं अभी, देन उसके बाद रात वाली मील पे आपको अभी ध्यान देना है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। ये रही अपनी मील, जिसमें चलेगा अभी अपना योगर्ट, इसमें है भाई साहब आलू और एक संतरा। तो ये है अपनी प्री वर्कआउट मील। बाकी बाल अभी सेट करके आए वापस, वो थोड़े उलझ चुके थे, उलझ नहीं कहते रबर से बाहर आ चुके थे, तो एक बार देख कर बताएं ज़रा क्या बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं, कटवा दिए जाएं या इनके साथ बरकरार किया जाए, मींस इनको थोड़ा लंबा और खींचा जाए, तो ज़रा कमेंट करके बताएं कैसे लग रहे हैं। हम करते हैं अपनी मील इंजॉय, देन करते हैं थोड़ा थोड़ा वार्म अप स्टार्ट, देन करते हैं वर्कआउट शुरू। Dreams, big dreams. I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'ma dive in. Middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up. I'll never stop till I wash up on the sand. I'll finally stop. I will be the best. Headed out for change. I just started on my quest. Yeah, the world will know my name. I'm excited. I'm excited. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मामा जी के घर पे आए हैं ये अपने मामा जी के घर पे आए हैं। तो रही बात, अभी हम घर पहुँच चुके हैं, तो लास्ट मील आपको दिखानी थी, तो जिसमें कि रहता है अपना पनीर यहाँ पे रेडी है। तो जैसे कि आपको बताया, तो पनीर का पूरा पैकेट ही है ये, 300 ग्राम का होता है, 375 ग्राम का, जो कि चार लोगों में बटने वाला अभी, तो लगा लो तकरीबन एक बंदे को जाएगा 90 के करीब। तो यहाँ पे पनीर रेडी है, इसमें डलेगा अभी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तो बड़ी बात, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ये 15 प्रो मैक्स से बन रही है, तो 15 प्रो मैक्स के मालिक यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं 15 प्रो मैक्स कैसा दिखता है। ये देखिए 15 प्रो मैक्स कैसा दिखता है, देख रहे हैं बड़े बड़े लोग हैं 15 प्रो मैक्स लेके आए अभी नया नया। भैया कितने का पड़ा आपको ज़रा बताइए, लोगों को जानने की इच्छा रहती है कि इंडिया वालों को कि आईफोन 15 प्रो मैक्स कितने का मिल रहा है अभी कनाडा में। कनाडा में $2200 के राउंड पड़ रहा है बेस मॉडल। नहीं नहीं आप इनटू करके बताइए, 60 या 61 से इनटू करवे करना मेरे वही हो गया, 130 के राउंड हो गया। 130 के राउंड, तो कुछ कोई खर्च वो है, फायदा है मंगवाने में आपसे? फायदा तो है ही, 15-20 हज़ार का तो फायदा है। चलिए भाई इन्होंने बोल दिया 15-20 हज़ार का फायदा। तो अभी बननी कैसे सब्जी, इसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल, इसमें डालेंगे अभी हम जीरा। तो ब्रोकली दिखाना भूल गए, ये भी है इसमें शामिल है। तो सबसे पहले डालने वाली है यहाँ पे सुबह वाली, तो उनमें कुछ इतना बनाने वाला था नहीं, एक दाल थी तो वो तो ऑलरेडी घर पे बनती है तो आपको पता होगा। ये वाली सब्जी कैसे बनानी है, ये बिना तेल के भी बना सकते हो, बट हमने हल्का सा डाल लिया। पर अगर आप यहाँ पे ये हीटिंग वाली क्वाइल वाली है, अगर तो गैस वाली हो तो उसमें चिपकने का इतना वो नहीं होता, ये थोड़ी सिर्फ जो ये वाली आइटम होती है ये हीट करती है सिर्फ बेस लाइन पे, तो अगर फ्लेम वाली हो तो वो ज्यादा बेटर रहती है, बट यहाँ पे यही है। तो सबसे पहले डालने वाले यहाँ पे हम गाजर और ये ग्रीन बीन्स, इनको बस डाल दो अच्छा से।
इनको पहले इसलिए डाला क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो कुकिंग टाइम ज्यादा लेंगी, तो इसलिए इनको पहले डाल दिया है। बस ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे इसको, 2-4 मिनट रखने के बाद ये अपनी कैप्सिकम, शिमला मिर्च, लाल पीली हरी वो डाल देंगे। तो उसके बाद ब्रोकली थोड़ी एंड में डालेंगे क्योंकि वो जल्दी कुकिंग फ्लेम उसकी वो जल्दी पक जाती है, तो ढीली ना पड़े, तो ज़्यादा ढीली भी नहीं करनी है हमें, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखनी है, मीडियम मीडियम बीच में रखना है। तो बस अगर अभी आपको पास से दिखाओ भैया, अगर आपको दिखाऊंगा तो तेल इसमें जैसे नज़र कहीं आएगा नहीं, वो जस्ट हल्का सा था नीचे, तो हम इतना यूज करते हैं। बाकी अगर अभी लगेगा कि ये चिपकने वाला है, अभी आपको दिखाएंगे जैसे ये चिपकने वाला है, तो चिपकने को आपने कैसे बेटर करना है, चिपके ना सब्जी, वो दिखाऊंगा अभी आपको कैसे चिपकने से बचा सकते हैं अपनी सब्जी को। उसमें कुछ नहीं करना, बस पानी का यूज करना। तो वैसा है, डाल ही देते हैं ये भी। जैसे कि आपको बता रहा था सब्जी चिपके ना, उसके लिए क्या करना है, जैसे पानी आपको दिख रहा है ऐसे पानी डाल देना और हिला लेना, मिक्स कर देना, तो सब्जी जो चिपक रही होगी वो उतर जाएगी। तो हीट ऐसे भी ज्यादा तेज ना रखें कि जल ही जाए, थोड़ी कम फ्लेम में। तो बाकी अपनी वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, तो इसमें ब्रोकली भी डाल ही देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, नमक मिर्च मसाला डाल दो और लास्ट में डाल देंगे पनीर। तो डाल ही देते हैं, अभी आपके सामने दिखाते हैं। ये आ गया अपना नमक, मसाला अभी अपने पास पड़ा किचन किंग, तो ये डाल देंगे। और क्या है भाई, काली मिर्च कहाँ गई, ये रही। और डाल देंगे मिर्च, बस इसमें डलेगा अब पनीर। और कर दो अब इसको मिक्स। तो बस ये सिंपल सा फंडा है जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब जब लगे आपको अगर फिर से चिपकने लगी है अगर सब्जी कुछ, तो हल्का सा पानी डाल दो वापस इस तरह। भैया पनीर का टुकड़ा गिर गया है नीचे, नुकसान हो गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। कोई नहीं, हम इसे उठा के धो के फिर से डाल देंगे बीच में, टेंशन नहीं लेनी है। तो ढक्कन थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे, 5-10 मिनट, जब लगे कि पकी है तो बना लें। तो अभी रोटियां बनेंगी वो, तो चलिए अब हाँ आपको बता दें, दो रोटी और सब्जी चलेगी, उसके साथ चलेगा सैलेड। तो यही थी अपनी फुल डे की आपको जो मील प्रेप थी, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जितना आप सिंपल रखेंगे उतना लॉन्गेविटी में चला सकते हैं। ज़्यादा फैंसी फैंसी चीज़ें डालेंगे तो चल नहीं पाएगा काम, तो सिंपल सिंपल चीज़ें रखें जो आप ज़्यादा देर खा सकें। तो पूरी वीडियो देख के आपको समझ आ गई होगी, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं करनी है। अगर आपका जितना बॉडी वेट है उससे मैक्सिमम अगर नहीं है तो x2 लेके चलिए, 60 kg 120 का टारगेट रखें, वो भी काफ़ी है, उसमें भी काफ़ी अच्छा मसल बिल्ड हो सकता है और होएगा ज़रूर। तो खैर करते हैं इस वीडियो की एंडिंग, कोशिश करेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएँ। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।